नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जदयू राजद समेत कई सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जीआरपी द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाली समाज द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जिला जदयू द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला जदयू की ओर से कर्पूरी भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रवक्ता कुंडल शांडिल्य सहित जदयू नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष व जदयू के कार्यकर्ताओं ने एक एक कर कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष रंजीत साहनी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर जो चलने का काम किया है, कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने का जो काम किया गया है वो हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु भी कर्पूरी ठाकुर ही थे। कर्पूरी ठाकुर के सच्चे सपनों को साकार करने का अगर किसी ने काम किया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया, साथ ही साथ सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी वो हमारे जिस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी के वो गुरु रह चुके हैं, राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर जी थे। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी के भी राजनीतिक गुरु आपको लोकनायक जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया जैसे लोग थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग लोकनायक जयप्रकाश जी, राम मनोहर लोहिया जी के विचारों पर चलने वाले, इस कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जिला जनता दलियों में जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, वो पिछड़ों अति पिछड़ों शोषित वंचित किसानों के लिए एक आवाज़ के रूप में उन्होंने काम के रूप में पहचाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्याणी चौक पर जेडीयू महानगर द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई, जिसमें जेडीयू के जिला अध्यक्ष, जेडीयू महानगर के अध्यक्ष अमरीश सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। जयंती के दौरान जेडीयू के सभी सदस्यों ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ठाकुर इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा थे और उन्होंने एक नई दिशा देने का काम किया बिहार को। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार को विकास के ऊपर, विकास के पथ पर लिए जा रहे हैं। तो आज हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये जयंती समारोह मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर जीआरपी द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन के परिसर में जीआरपी की पुलिस ने सुरक्षा को लेकर डॉग स्क्वाड के साथ सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म व ट्रेनों की जाँच डॉग स्क्वाड के साथ की। मौके पर जीआरपी थाना अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के लिए यह अभियान जीआरपी पुलिस द्वारा चलाया गया। जीआरपी प्रभारी नंदकिशोर सिंह ने बताया कि रेल एसपी अशोक कुमार के निर्देश पर 26 जनवरी को लेकर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेषकर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी यात्री को अपराधी अपना शिकार न बना सके। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि यह अभियान सोमवार तक चलेगा।
साथ ही उन्होंने बताया कि जंक्शन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की गहनता से सघन जांच की जा रही है। अवसर पर जांच चलाया जा रहा है, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार हम लोग किन किन चीजों पर ध्यान दी जा रही है। विशेष रूप से अपराध आपराधिक तत्व पर विशेष निगरानी रखने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कल तक चलेगा। अब तक कोई उपलब्धि मिल पाई है? अभी तक तो कोई उपलब्धि नहीं मिल पाई है। हम लोग चेक कर रहे हैं सब जगह स्टेशन प्लेटफॉर्म सर्कुलेटिंग एरिया, इस समय कोई विध्वंसकारी सामान वामान ये सब कुछ नहीं प्लेटफॉर्म पर रख दे, कहीं स्फोटक सामान वगैरह सारी सब पर रख रहे हैं। हाँ, खासकर लंबी दूरी की ट्रेन। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर राजद के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जुड़न छपरा स्थित होटल बसंत बिहार के सभागार में जिला राजद द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिलाध्यक्ष समेत राजद के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राजद के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सभी आत्मविश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलकर ही अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के और निर्धन के नेता थे और उनसे हम लोगों को सीखने को मिला कि कोई भी आदमी राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ सकता है और किसान के सवाल पर या गरीब के सवाल पर सरकार में जाने पर जो उनका निर्णय हुआ, छात्र के सवाल पर भी वह याद के लायक है। और कर्पूरी ठाकुर हमेशा गरीबों के बीच में रहे और हमेशा अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहे। रविवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति के चेक का फ्रॉड गिरोह द्वारा क्लोन चेक बनाकर भारी रकम बैंकों से निकासी कर ली। यदि चेक से लेन देन करते हैं तो जरा होशियार रहिए। इन दिनों क्लोन चेक के जरिए खाते से रुपए उड़ाने का फर्जीवाड़ा हो रहा है। साइबर फ्रॉड गिरोह ने क्लोन चेक के जरिए अय्यापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर निवासी सह रिटायर शिक्षक शिव नारायण झा के बैंक खाते से 1,80,000 रुपए उड़ा लिए। असली चेक शिक्षक के पास ही है, जिसके बाद शिक्षक ने एक निजी बैंक के खाताधारक प्रियंका के खिलाफ नगर थाने में FIR दर्ज कराई है। घटना के संबंध में रिटायर शिक्षक के पुत्र ने बताया कि बीते 13 जनवरी को उनके पिताजी के नंबर पर 1,80,000 रुपए निकासी का मैसेज आया था। मैसेज देखकर वह चौंक गए। उनका खाता गोला बांध रोड स्थित एक सरकारी बैंक में है। जब इसकी शिकायत बैंक पहुंचे तो बैंक कर्मचारी ने अपने हाथ को खड़े कर लिए, जिसके बाद उन्होंने नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। 1/2021 के डेट में मेरे पापा के अकाउंट से 1,80,000 रुपए का चेक से फ्रॉडिंग हुआ है। वो SBI गोला ब्रांच रोड में अकाउंट है, इसमें बैंक कर्मचारी मिला हुआ है। कैसे पता चला आप लोगों का मामला पड़ गया? पापा एक को चेक दिए थे IRCTC वाले को, 31 तारीख को बैंक निकलने वाले हैं, तो उसमें वो बोले थे कि हम चेक एक दिए, मैं देखो अकाउंट से पैसा कटा हुआ, मैसेज उनको नहीं आया था। तो मैसेज के लिए वो चेक करवाए थे, वो चेक किए तो उसमें पता चला कि उनके अकाउंट से पैसा कट चुका है 1,80,000 रुपया। पापा बोले कि 1-10 ही का दिए हैं, वो चेक नंबर दूसरा था, ये चेक नंबर दूसरा है, जिससे चेक से पैसा कटा वो चेक हमारे पास। इस मामले में किसी बैंक के अधिकारी से आप लोग मिले? हाँ, बैंक मैनेजर से मिले। बैंक मैनेजर के पास गया तो बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपके साथ फ्रॉडिंग हुआ है, क्लोन हुआ है, इस पैसा को आप अभी भूल जाइए, नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिए। पापा को थोड़ा समझ हम उनसे पूछे तो बोल रहे हैं कि आपके साथ सिर्फ फ्रॉडिंग हुआ है, क्लोन किया गया आपका चेक, आप कहीं चेक दिए होंगे वहाँ से क्लोन कर लिया गया होगा। बैंक कर्मचारी जिम्मेदार है, क्योंकि मेरा चेक वो दूसरा है, ये दूसरा है, जिस अकाउंट से चेक कटा है बैंक से हम फोटो स्टेट लिए हैं, उसमें मेरा जो चेक इशू हुआ है 2018 में, वो चेक 2019 में इशू किया गया। आगे हम लोग FIR किए हुए नगर थाना में, वहाँ से बोला बताया गया है कि ये दिल्ली का है,
रामदयालु स्मृति भवन में भाजपा गरीब नाथ नगर मंडल की ओर से कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल की ओर से रविवार को मोती झील स्थित रामदयालु स्मृति भवन के सभागार में कार्य समिति बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा उपस्थित हुए। पूर्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थिति में पार्टी को सींचा है, जिसे हमें और मजबूत करना है, सभी समाज को जोड़कर चलना है। भाजपा व्यक्तिवाद, जातिवाद और वंशवाद की पार्टी नहीं है, भाजपा राष्ट्रवाद की पार्टी है। वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए महामंत्री पंकज प्रकाश ने कहा, आगामी 4 फरवरी से 14 फरवरी तक 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर पार्टी की ओर से लगाया जाएगा। साथ ही 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी। की बैठक हो रही है जिसका जिसमें मुख्य वक्ता श्री प्रणव भूषण मोनी जी हैं, जो गरीबनाथ नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, और जिसमें मुख्य रूप से श्री सुरेश कुमार शर्मा जी पूर्व मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? ये कार्यकारिणी की बैठक है जो हमें हर साल करनी पड़ती है, जिसमें सभी लोगों का एक तरह से प्रशिक्षण भी होता है और सभी लोगों को दिशा निर्देश दिया जाता है, जिसमें सारी कार्यों की समीक्षा होती है। बंदरा प्रखंड के आईटीआई कॉलेज में भाजपा मंडल कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा बंदरा मंडल कार्य समिति का बैठक घनश्याम सुधामा आईटीआई कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जिला महामंत्री सचिन कुमार शामिल हुए। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माला अर्पण कर की गई। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई, साथ ही पंचायत चुनाव पार्टी कैसे लड़ेगी इस पर भी रणनीति बनाई गई। राम मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, इसमें निधि संग्रह जो लोगों का जन जन तक एक एक घर तक पहुंच के किस प्रकार हम लोगों की भावना को उस राम मंदिर तक पहुंचाएं, ये मेरा मुख्य एजेंडा है। साथ ही आगामी जो पंचायत चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार पंचायत चुनाव में उतरेगी और मुख्य रूप से हम लोगों ने तय कर लिए हैं कि 2 बिंदुओं पर तो तय किया जा चुका है कि प्रमुख बनाने के लिए और जिला परिषद अध्यक्ष बनाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ उतरेगी। साथ ही हमारा जो आने वाले दिनों में 31 तारीख को मन की बात कार्यक्रम है और 11 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं।
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। हरिसभा स्कूल परिसर में बंगाली समाज द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हरिसभा स्कूल में बंगाली समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के दर्जनों सदस्यों ने अपने रक्त का दान किया। बंगाली समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मुहैया हो सके। बंगाली समाज के अध्यक्ष ने बताया कि नेताजी के जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। दिनांक 24/1/2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर बिहार बंगाली एसोसिएशन द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये हम लोग पिछले विगत कुछ वर्षों से, कम से कम 8-10 साल से इसको करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम खून की जरूरत पड़ता है और रक्तदान को महादान कहा जाता है। ऐसे रक्त जो है शरीर में 3 महीना का अंदर ही खराब हो जाती है, वो निकल जाता है, किसी माध्यम से निकल जाता है। हाँ, और ये देना कोई गलत बात नहीं है, खून देने से अच्छा है, इससे लोगों को जीवन दान, हर धर्म समुदाय का लोग को ही ये खून से जीवन दान मिलता है। ये कार्यक्रम को करके हमें सुखद अनुभूति होती है और ये आम आने वाले दिन में भी ये कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मुजफ्फरपुर वासियों से हमारी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर वो इस शिविर को, इस रक्तदान शिविर को और भी मजबूती प्रदान करें। जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार प्रभारी के आगमन को लेकर जिला अध्यक्ष द्वारा अहम बैठक की गई। जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से बिहार के नव नियुक्त प्रभारी भक्त चरण दास की 27 जनवरी के आगमन की तैयारी पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बिहार के प्रभारी का मुजफ्फरपुर जिले में दौरा है और यहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। श्री भक्त चरण दास जी दिनांक 27 तारीख को मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय जिला प्रधान में 4 बजे दिन में आगमन है, उसी के तैयारी समीक्षा बैठक के लिए हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं और पहली बार नव नियुक्त प्रभारी आ रहे हैं, इसलिए जिला कांग्रेस कमेटी और जितने मौजूद चार संगठन की ओर से उनका भव्य स्वागत हो, इसी के तैयारी बैठक में हम लोग आपस में जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं और जितने मोर्चा संगठन, सबकी राय है, सबकी भागीदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे और 4 बजे आएंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष सबसे राय विचार करके फिर वह पूर्वी चंपारण पुरात्री को जो है रवाना हो जाएंगे, इसी के लिए बैठक है। और 30 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो आहूत मानव श्रृंखला किसान आंदोलन के समर्थन में 3 काला बिल को रद्द करने के लिए, उसमें
भी विचार किया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में लोहार कल्याण महासभा की ओर से कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। लोहार कल्याण महासभा की ओर से कार्य समिति की बैठक रविवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव में लोहार जनजाति को आरक्षित सीट घोषित कर चुनाव लड़ने का सरकार मौका दे, नहीं तो राज्य सरकार के खिलाफ लोहार जनजाति उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाएगा। वहीं बैठक में रवि शर्मा, डॉक्टर प्रभात शर्मा, वीरेंद्र शर्मा सहित संगठन के अन्य सदस्य शामिल हुए। की जिला कार्य समिति की बैठक में आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि इस मुजफ्फरपुर जिले में एसी एसटी थाना हो या जो भी मुजफ्फरपुर में थाना है, लोहार समाज जो जनजाति में है उसको जब पिटाई होती है, थाने पर जाते हैं तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है और कहती है कि आप 10,000 रुपया रिश्वत अभी दीजिए तो अभी FIR करेंगे, और नहीं तो जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। कोई और लोहार समाज जो जनजाति है, चाहे वह सकरा में मामला हो, मीनापुर में मामला आया है, और मोतीपुर, सरैया, सब लोग जो है जब प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती है बिना रिश्वत के। इसलिए आज हम लोग बैठक में जो है निर्णय लिए हैं कि अगर हम लोग के साथ अन्याय हुआ तो एक प्रतिनिधि मंडल अभी तत्काल हम लोग थाना प्रभारियों के खिलाफ में हम लोग IG से मिलेंगे, DG से भी मिलेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में युग सृजन संस्थान की ओर से 28वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में युग सृजन संस्था का 28वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं समारोह के दौरान कई कोरोना योद्धाओं के साथ कई सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को संस्था के सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही संस्था के द्वारा नए कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया। मौके पर शहर के कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। प्रोफेसर एसके पॉल, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश BR यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, वर्तमान में मैं बिहार विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में मैं प्राध्यापक हूँ, और आज मैं यूथ सीजन का वो अध्यक्ष चुना गया। आज वार्षिक उत्सव है यहाँ। हाँ, ये वार्षिक उत्सव है, युग सृजन का ये वार्षिक उत्सव है, उसमें मुझे वो चेयरमैन। ये संस्था क्या क्या कार्य करती है? ये संस्था जो है वो आपको एजुकेशन, कल्चर और स्पोर्ट्स, हेल्थ और फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स of from schools, colleges and other institutions and to the core of our society. Society में जो भी बच्चे हैं, जो aspirant हैं, जो किसी कारण से जिनका इलाज नहीं हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।